बहु बेटी, रात के 11 बज गए हैं, तू प्रेम का कब तक इंतजार करेगी? माँ जी, अब तो जानती तुम मेरे बगैर खाना नहीं खाते। अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो बिना खाए सो जाते हैं। लेकिन बेटी, इंतजार की भी हद होती है। पता नहीं प्रेम कहाँ नौकरी तलाश करने गया है और कब तक वापस आएगा। माँ जी, मुझे यकीन है वो जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे कारण ही वो बिगड़ा है बहू। तुमने उसे बहुत छूट दे रखी है। अगर तुम उसके सामने प्यार मोहब्बत की कविताएं पढ़ना बंद कर दो तो वो देखना कैसे सीधे रास्ते पर आ जाता है। बस भी करो, जो मुंह में आता है बक देते हो। वो बेचारा भी क्या करेगा, रात दिन तो नौकरी की तलाश में फिरता रहता है यहाँ से वहाँ। अब नौकरी नहीं मिलती तो इसमें उसका क्या दोष? भाई, नौकरी ही करना जरूरी तो नहीं, वो मेहनत मजदूरी भी कर सकता है। ओह, तो तुमने उसे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि नौकरी नहीं मिलने पर उसे मजदूरी करवा सको? मजदूरी करना कोई पाप नहीं है पिताजी। मैं कल ही स्टेशन जाकर कुली का काम करना शुरू कर दूंगा। यही कहेंगे ना दुनिया कि राम प्रसाद ने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उसे कुली बना दिया। मगर उससे पहले मुझे अपने जमीर को मारना होगा, सो मैं मार दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना पिताजी, जमीर को मारकर इंसान जीता नहीं बल्कि सिर्फ सांसें लेता। और मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं मैं। और मेरी मौत ही मेरे जमीर को मार सकती है। भाषण तो ऐसे झाड़ गया जैसे दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान यही हो। दो चार किताबें पढ़ लेने से समझदारी नहीं आती। सुना तुमने, जमीर की बात करता है। गालियां जो इतनी पड़ी, अब खाना खाने के लिए तो भूखे मर गए। जी, ऐसा नहीं कहते, तुम्हें तो पता है ना कि बाबूजी जब नाराज होते हैं तो कुछ भी कह देते हैं। जानता हूं कुछ भी कह देते हैं वो, मगर मुझे नश्तर मारते हैं वो नश्तर। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं दर बदर नौकरी की तलाश में भटकता रहा हूं, मगर मुझे नौकरी नहीं मिली। वो ये जानते हैं मेरे सारे दोस्तों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल गई पूनम, क्योंकि उनके बाप के पास रिश्वत देने के लिए पैसे थे। और अब मुझे ये बात समझ आई कि ये गरीब या तो मजदूर या कुली बन सकता है पूनम। वकालत, डॉक्टरी, ये सब उसके नसीब में कहा, ये सब तो अमीरों का खेल है पूनम, सिर्फ अमीरों का। क्योंकि आज के दौर में विद्या सीखी नहीं बल्कि खरीदी जाती है। प्रेम, इस तरह हिम्मत नहीं हारते प्रेम। मुझे यकीन है कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। नहीं पूनम, ये ऊपर वाला सिर्फ अमीरों का ही साथ देता है, क्योंकि ये ऊपर वाला जानता है ये कि अगर इसने एक गरीब को अमीर बना दिया तो उसे याद कौन करेगा। ऐसा नहीं कहते प्रेम, बाबूजी की बात का बुरा मत मानो, खाना खा लो। देखो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है पूनम।
अब तुम्हारा प्यार ही मेरी हिम्मत है। अच्छा प्रेम, तुम तो एक लॉटरी की टिकट खरीदने वाले थे, खरीदी? पूनम, जिसे हाथों की लकीरों ने धोखा दिया हो वो भला कागज की लकीरों पर क्या भरोसा करेगा? तुम्हारा विश्वास भले उठ गया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी लॉटरी जरूर लगेगी। मैंने खरीदी है लॉटरी, वो भी पूरे 10 करोड़ की। पूनम, सपनों की दुनिया से निकलकर सच्चाई की दुनिया में जीना सीखो, जिंदगी का मतलब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। चलता हूं मां। आज नौकरी किस जगह आपका इंतजार कर रही है? बाबूजी, मेरा एक दोस्त है विनोद, जिसने मुझे अपने दफ्तर में आज नौकरी दिलाने का वादा किया। वादा किया है? जी। सिर्फ वादे से नौकरी नहीं मिलती, खुद भी हाथ पांव मारो, कोशिश करो। वादों के भरोसे दफ्तरों के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आज मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो? मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो? मैंने कहा ना कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो तू क्या करेगा? तो मैं लौट के दोबारा घर पे वापस नहीं आऊंगा, समझ गया बाबूजी? अच्छा, खुददारी जाग गई या जमीर मर गया? क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो? आखिर ये भी क्या करेगा? रोज तो नौकरी की तलाश में जाता है ना, और खाली हाथ वापस आता है। पिछले 3 साल से मेरी पेंशन पे घर चल रहा है, भरपेट खाने को नसीब नहीं होता, कभी कभी पानी पी के पेट भरना पड़ता है। एक पकड़ के भरपेट खाने को मिल जाए तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ता है, और ऐसे में हम दोनों मर गए तो बेचारी पूनम का क्या होगा? जो किस्मत में लिखा है बाबूजी, वही होगा। अगर बाप का फर्ज आप नहीं निभा सकते तो आपने मुझे पैदा क्यों किया? मुझे क्या पता था कि तुम मजबूत किस्मत लेकर पैदा हो? हाँ, मैं मनोज हूँ। माँ बाप की किस्मत से ही औलाद की किस्मत बनती है बाबूजी। तो क्या मनूस है? हम लोग मनूस है। मेरा बस चले तो मैं तो इसका जला बोल दू। ठीक क्या? उस दिन बाप और कर भी क्या सकता? सुना सुना क्या बोल गया तुम्हारा बेटा? कौन आओगे? जोर मारे गई। महीनों से नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। बड़ी उम्मीदों से माँ और पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, पर मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिताजी ठीक ही कहते हैं, आखिर कब तक उनकी पेंशन पर गुजारा करते रहेंगे हम? जिस उम्र में औलाद माँ बाप का सहारा होती है, ऐसे में पिताजी को, मुझे और पूनम को सहारा देना पड़ रहा है। आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं घर? कहकर आया था कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो घर वापस नहीं लौटूंगा। मेरा मर जाना ही ठीक है, मर जाना ही ठीक है। मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा।
प्रेम का इंतजार कर रहे हो? समझ में नहीं आता कहाँ चला गया। आप भी गुस्से में ये भूल जाते हैं कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। बस गुस्से में कह दिए कि नौकरी ना मिले तो घर वापस मत आना। ना जाने मेरा प्रेम कहाँ भटक रहा होगा। मैंने उसे पहली बार तो नहीं डांटा। आप उसे हमेशा डांटते रहे लेकिन आज आपने उस पर हाथ उठा दिए। हो सकता है उसे बुरा लग गया हो। भला ये कोई बात हुई? भाई मैं बाप हूं उसका, मेरा हक बनता है उस पे। हाँ, और फिर मैंने जो भी किया उसकी भलाई के लिए तो किया। वो भी क्या करेगा, रोज तो नौकरी की तलाश में ही यहां से वहां भटकते रहता और शाम को मायूस होकर घर वापस आ जाता है। मुझे तो एक ही चिंता लगी रहती है कि हमने क्या सोचकर उसे पढ़ाया लिखाया और ये हो क्या गया। उसकी नाकामी देखकर मेरी हिम्मत टूट जाती है और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। बाप की तसल्ली और माँ की ममता औलाद की कामयाबी है। अच्छा हम दोनों ही उसका साथ छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, खत्म कर दूंगी अपने आप को। नहीं मिली ना नौकरी? पिताजी मैं घर नहीं वापस आने वाला था, मगर जाते जाते मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का बोझ आप लोगों पर क्यों थोप दूं, क्यों? इसलिए मैं पूनम को अपने साथ ले जाने चाहता। नहीं बेटे, मैंने जो कुछ कहा हो तो गुस्से में कहा था। आपने ठीक कहा पिताजी, ठीक कहा आपने कि जब एक औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप का सहारा होती है, उनके लिए खुशियां लाती है, और मैं ऐसा बदबख्त, ऐसी औलाद हूं आपकी कि सहारा देने की बजाय मैं आप लोगों के लिए बोझ हूं, खुशियां देने की बजाय मैंने आप लोगों को आंसू दिए हैं पिताजी, सिर्फ आंसू। बेटे इंसान की किस्मत में जितने आंसू होते हैं उतने तो उसे बहाने ही पड़ते हैं, लेकिन लेकिन मैंने तुझ पर हाथ उठाया उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा कर रहे हैं आप पिताजी? आप तो मेरी हिम्मत है पिताजी, आप मेरी हिम्मत है, हिम्मत, और आप ही को तो देखकर मुझे जीना सीखना है पिताजी। भगवान पर भरोसा रखिए पिताजी, सिर्फ भगवान पर, बहुत जल्द हमारे दिन बदलने वाले हैं। Thank you.
नहीं, मैं था, मैं। कौन? कौन? जादूगर सामने की आत्मा। आज से 40 साल पहले एक साधु ने मुझे अपनी विद्या के घेरे में लेकर और मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस बोतल में कैद कर लिया। मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि जिस दिन मैं इस बोतल से आजाद हो जाऊंगा उसी दिन से मैं लोगों का जीना हराम कर दूंगा और उनकी बलियां चढ़ाऊंगा। नहीं, नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहते? ताकि दुनिया खत्म होने तक मेरी शक्ति कायम रहे और मुझे मेरी पूरी शक्ति उस वक्त वापस मिल सकती है मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। मूर्ख, तूने मुझे बोतल से आजाद करवा के अपनी मौत को दावत दी। चल चल मेरे साथ ता मैं तेरी बलि चढ़ाऊं। मेरी बलि? ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि जिस साधु ने मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका है उस मंत्र का ये नियम है कि जो मुझे आजाद करेगा उसकी बलि चढ़ाने के बाद ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपनी पूरी शक्ति का मालिक बन जाऊंगा।